वेलकम न्यू व्लॉग। तो यार वेलकम कर दिया है मैंने न्यू व्लॉग में। तो आज कुछ सीन ऐसा है, अभी है, बज चुके हैं सुबह के 8:05, अभी बिल्कुल सुबह के 8:05 हुए हैं। तो आज है फाइनली ईद, तो आज है बकरा ईद। फाइनली अभी ईद की नमाज पढ़ के आए हैं, ईद की नमाज पढ़ के आया हूँ, तो थोड़ी देर आराम वगैरह किया है। तो अभी 8:05 हो चुके हैं। तो यार अभी आज फाइनली हमारा बकरा ज़िबा हो जाएगा, यानी कि आज फाइनली हमारा बकरा कुर्बान हो जाएगा, क्योंकि आज ईद का पहला दिन है। तुम लोग देख सकते हो ये भी हमारा बकरा बैठा हुआ है, अभी तक हमारा बकरा कुर्बान नहीं हुआ, बैठा हुआ है। और इसको भी चारा वगैरह दाना वगैरह भी डाला हुआ है कि ये आराम से खाता रहे। बाकी आज हमारा बकरा कुर्बान हो जाएगा, फाइनली यार आज हमारा हीरू कुर्बान हो जाएगा। तो चलो यार कोई बात नहीं, अभी कसाई वगैरह नहीं आए, अभी कसाई के आने में भी कुछ देर है, जब कसाई वगैरह आएंगे फिर तुम लोग। तो यार अभी मैं दोबारा उठाता हूँ, मम्मा ने मुझे कहा कि फाइनली कसाई आ चुके हैं, तो बाहर आ जाओ यार, फाइनली हमारा हीरू ज़िबा हो चुका है यार। इतना दुख हुआ है मुझे, एकदम मैं उठाऊँ इतना दुख हुआ मुझे, बाई ज़िबा हो रहा है, इतना दुख हुआ है मुझे। मतलब इनके बोलता भी नहीं, मतलब इनके आराम से बैठ रहता था, हम उसको लाया इतना प्यारा था, कुछ भी नहीं कहता। तो फाइनली आज वो ज़िबा हो चुका है। बाकी यार मेरा ब्लॉग बनाने को भी दिल नहीं चाह रहा, इतना दुख हुआ है कि मेरा ब्लॉग बनाने को दिल नहीं चाह रहा। बस अल्लाह ने करना होता है, अल्लाह की मर्जी है उसमें, अल्लाह ने हुक्म है तो अल्लाह के हुक्म में के लिए तो कोई तो होता ही है। बाकी यार आज मेरा ब्लॉग बनाने का दिल, इसलिए मैं यहाँ पर मेरे ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ यार। बस यार मैं ब्लॉग